हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज का वीडियो हमारा बनने वाला बैक कंप्रेसर दिक्कत पर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक कंप्रेसर की बात करें तो बैक कंप्रेसर आता क्यों है। तो अगर देखिए, आपकी गाड़ी में बार बार सर्विसिंग आप समय समय से नहीं कराते हैं तो सबसे पहले बैक कंप्रेसर का शिकायत आता है। तो मैं आपको तीन चार ऐसा टिप्स बताऊंगा जो मतलब उस टिप को आप लोग फॉलो करिएगा तो बैक कंप्रेसर का शिकायत बिल्कुल नहीं आने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पहले तो आपको एयर फिल्टर चेक कराना पड़ता है कि एयर फिल्टर हमारा ब्रेक होने की वजह से भी बैक कंप्रेसर का ज़्यादा शिकायत आता है, ठीक है ना। कई लोग क्या करते हैं कि एयर फिल्टर को बार बार साफ करवा के लगवा देते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे भारी आप लोग गलती कर रहे हैं कि एयर फिल्टर को बार बार साफ करके लगवा रहे हैं। हालांकि मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि नया डलवाने का आप लोग कोशिश करिए, इससे बैक कंप्रेसर का शिकायत आपको नहीं आने वाला है। तो एयर फिल्टर भी अपना चुप हो जाता है, इसकी वजह से बैक कंप्रेसर का शिकायत आता है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि मोबिल आप लोग कभी भी चेक करते रहें समय से, अगर मोबिल समय समय से चेक नहीं करते हैं, मोबिल कम होता है या ज़्यादा होता है, तो इससे भी बैक कंप्रेसर का शिकायत आता है, ठीक है ना। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सर्विस। आप सर्विस समय से नहीं कराते हैं, इसके वजह से बैक कंप्रेसर का ज़्यादा शिकायत आता है। और देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग कभी भी सर्विस करवाते हैं तो 10,000 किलोमीटर पर सर्विस करवाते हैं, लेकिन कितने आदमी क्या करते हैं 10,000 किलोमीटर चलाने के बावजूद भी सर्विस वो लोग समय से नहीं करा पाते हैं, इसके वजह से दिक्कत होती है। और देखिए कितने आदमी मतलब थोड़ा मतलब ऊँचे स्वभाव के होते हैं, वो लोग 8,000 किलोमीटर चलाने के बाद सर्विस करा देते हैं तो उनका गाड़ी बिल्कुल अच्छा रहता है। लेकिन हम लोग समय समय से सर्विस नहीं करवाने की वजह से हमारी गाड़ी का जो इंजन है चुप हो जाता है, चुप होने से बैक कंप्रेसर का शिकायत ज़्यादा आता है। और देखिए, ये तो आपको प्रॉब्लम में बता दिया कि बैक कंप्रेसर का शिकायत क्यों आता है। और चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि अगर बैक कंप्रेसर अगर आपकी कार में आ जाती है तो कैसे ठीक करें और कितना लग सकता है, तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं वो भी। तो सबसे पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि अगर बैक कंप्रेसर की शिकायत आपकी गाड़ी में आने वाली है या आ चुकी है तो कैसे पकड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपसे टिप्स बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, सबसे पहले हम लोग को गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। और स्टार्ट करते समय आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, अगर यहाँ पर आपके वास निकल रहा है, हल्का हल्का बाप के टाइप में निकल रहा है, तो समझिए बैक कंप्रेसर का शिकायत आने वाला है। अगर ज़्यादा इस पाए मोबिल छिड़कने का चांस है तो समझिए बैक कंप्रेसर का शिकायत आ चुका है, ठीक। अगर ज़्यादा लीक हो रहा है तो समझिए बैक कंप्रेसर का ज़्यादा शिकायत आ चुका है, तुरंत अपने गाड़ी को बनवाना चाहिए। अगर आप समय से नहीं बनवाते हैं तो इंजन सीज होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो ये तो प्रॉब्लम आपको मालूम चल गया। तो चलिए इसका कॉस्ट की बात करूँ। अगर देखिए नॉर्मल गाड़ी को इंजन को हल्का अगर काम होता है तो मान के चलिए 5 से 6 हज़ार में आपका खर्चा हो जाएगा, तो इतना में आपकी गाड़ी सही हो जाएगा। लेकिन अगर गाड़ी को खोलते समय उसका जो रिंग होता है या उसमें फेस करवाना पड़ता है तो कॉस्ट आपका थोड़ा महंगा पड़ सकता है। तो अगर उस कॉस्ट की बात करूँ तो लमसम मान के चलिए 10 से 12 हज़ार रुपया आपका इंजन में खर्चा लग सकता है, इतना कॉस्ट लगता है। और देखिए कितने आदमी हमारे पास कमेंट करते हैं कि सर हमारी गाड़ी में बहुत ज़्यादा मतलब बैक कंप्रेसर है और बहुत ज़्यादा पैसा भी लग रहा है। तो देखिए अगर आपकी कार में ज़्यादा पैसा लग रहा है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सेकेंड हैंड गाड़ी को जो इंजन होता है उसमें मॉडल आप चेक करके गाड़ी का इंजन लिया कर डाल लीजिए, वो आपका बेटर रहेगा और कम खर्चे में आपकी इंजन जल्दी से जल्दी सही हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं बैक कंप्रेसर का शिकायत आता है तो यहीं से पकड़ में आती है। अगर यहाँ से नहीं पकड़ पाते हैं तो इसको भी आप खोल कर चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी बैक कंप्रेसर का शिकायत ज़्यादा मालूम चल जाता है। और देखिए जैसे ये कैप खोलेंगे और ऊपर से मोबिल अगर ज़्यादा हाई प्रेशर में फेंक रही है तो समझिए बैक कंप्रेसर का शिकायत बिल्कुल आ चुका है आपके इंजन में। और यहाँ से भी मोबिल कई बार कितने सब्सक्राइबर मेरे कमेंट करते हैं कि यहाँ से भी मोबिल आने का शिकायत होता है। तो देखिए बैक कंप्रेसर का जो लक्षण होता है यहाँ से भी प्रॉब्लम आता है और यहाँ से जो मोबिल फेंकता है ये भी हमारा बैक कंप्रेसर का शिकायत होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी टिप्स हैं, अगर टिप्स को फॉलो करते हैं तो उम्मीद करता हूँ जो आपके बैक कंप्रेसर का शिकायत अगर इंजन में आने वाली है तो वो भी दूर हो जाएगा, अगर आ चुकी है तो कैसे पकड़ते हैं वो भी हम इस वीडियो में आपको बताया, ठीक है ना। तो अमाउंट के एक बार और बात कर लेता हूँ, पूरा फुल इंजन का काम कराते हैं तो 10 से 12 हज़ार का खर्चा आती है, हाफ इंजन का काम कराते हैं तो 7 से 8 हज़ार के आपके आसपास में अप्रोक्स लग जाएगी इंजन में। तो बैक कंप्रेसर में यही शिकायत होता है, बैक कंप्रेसर का आप लोग इग्नोर मत करिएगा। अगर आपकी कार में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसको सॉल्व कराइए, ठीक। तो आप देख सकते हैं मेरे इंडिका टाटा इंडिका V2 है गाड़ी,
देख सकते हैं कुछ ऐसा इंजन है। और मेरे इंजन में अभी तक बैक कंप्रेसर का शिकायत नहीं आया, क्योंकि मैं समय समय से इसका सर्विस करता हूं और हमेशा मोबिल चेक करता रहता हूं। इसके वजह से मेरे इंजन में बैक कंप्रेसर का शिकायत ना आने वाली है ना आएगी, ठीक है ना। तो नोजल भी आप देख सकते हैं, नोजल भी सही है, 4 नोजल है, ये भी हमारा सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और गर्म का भी प्रॉब्लम नहीं आता है, बैक कंप्रेसर का शिकायत होता है तो गर्म के भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है हमारी गाड़ी में। और अधिकांश गर्मी में ये प्रॉब्लम देखने के लिए ज़्यादा मिलता है, ठंडी के दिन में थोड़ा नॉर्मल रहता है क्योंकि ठंडी में इंजन थोड़ा ठंडा रहता है, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।